Hey guys, क्या हाल चाल है सर चुके। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर जिसमें तबाही हमें इसे दबा के होने वाली है यार। और आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि क्या होने वाला है, और इसके समझ में नहीं आया तो हम बैठे हैं ना यार बताने के लिए। तो इसमें कुल मिला के होने वाला है एक चैलेंज, जिसके अंदर हमें शुरू में जो दो गन मिलेगी हम उसी गन का यूज करेंगे। तो यार मेरे हिसाब से फर्स्ट गन चैलेंज कह सकते हैं, बाकी कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर चैलेंज की बात ही है तो ये चैलेंज अभी तक का मेरा सबसे हार्ड चैलेंज हुआ है। मतलब या तो चैलेंज हार्ड था या फिर भाई आज का दिन कुछ ज्यादा हार्ड था। जो भी हार्ड रहा हो गेम प्ले देखने में समझ आ ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से बकायती खत्म कर लेते हैं और चैलेंज एंजॉय करते हैं यार। मेरे पास बंदे तो उसके बाद यहाँ पास एक डुओ को बजाने के बाद एक और स्क्वाड आ जाती है जो थर्ड पार्टी कर देती है। और भाई मेरी हेल्थ तो तुम देख ही रहे हो, मतलब खतरनाक डैमेज मिलता है। उसके बाद गॉड को तो पूरा नॉक कर देते हैं और भाई मैं रिवाइव देने जाता हूँ, लेकिन भाई वहाँ फुटप्रिंट आ रहे होते हैं और मेरी हीलिंग किस हिसाब से है ना भाई, रिस्क लेना ही नहीं है। इसलिए अपन उधर से इधर आ जाते हैं कि भाई नेडेड ना आए। भाई क्या मारा दे तो उसके बाद यहाँ दो ही बंदे होते हैं जो गॉड को नॉक और फिनिश कर देते हैं, मतलब कुल मिला के पूरा ही खा जाते हैं। और फिर हम उन दोनों को बजा देते हैं और उसमें से एक नॉक पहले से पड़ा होता है जो पता नहीं कहाँ से नॉक होके आ रहा था, लेकिन भाई किल तो हम ही को मिल जाता है। और उसके बाद हम यहाँ से जब निकल रहे होते हैं तो भाई हमको वेयर हाउस में दिखता है एक बंदा जो कि कर रहा है खतरनाक कैंपिंग। तो फिर कैंपिंग तोड़ने के लिए नेट का प्रयोग किया जाएगा और क्या। भाई ओपी ने क्या ने और एक है वो देख तो उसके बाद फिर यहाँ पास ये दो बंदे आते हैं और ये दोनों फिर से नॉक होते हैं। एक तो समझ नहीं आ रहा है कि ये दो दो के जोड़े में ही क्यों आ रहे हैं, पता नहीं इनके बाकी के दो बंदे कहाँ ही गांजा फूंक रहे होते हैं। मतलब दो दो में ही आएंगे, एक साथ चार कभी नहीं आएंगे। और अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि भाई चैलेंज कम्प्लीट करने में विश्वास रखते हैं हम। तो उसके बाद सामने हमको गाड़ी मिलती नहीं है तो हम फटाक से इसके उठाते हैं और पायलट पाजा के पीछे वाली जगह से कल्टी हो लेते हैं और यहाँ मिल जाती है हमको गाड़ी। तो जब गाड़ी मिली गई है तो फैमिली में आने वाली रस्म को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं यार। जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। उसके बाद यहाँ आते तो भाई हमको एक अनजान गाड़ी दिखती है और यहाँ पास मेरे ज्यादा गॉड की हवा निकल रही होती है क्योंकि हम दोनों को यहाँ डाउट होता है कि भाई उसके पास आरपीजी ना हो क्योंकि सामने ड्रॉप पड़ा हुआ है। भाई तो होता है, अगर एमके भी होगा तो फाड़ी देगा, वो भी ये वाले घर में मत जा भाई। पीपी के अगेंस्ट जा घूम के आ दूसरे ड्रॉप से। मेरे हिसाब से यहाँ पास कुछ कहने लायक है ही नहीं क्योंकि गॉड ने सारी बातें बता दी जो मैं कहना चाह रहा था। उसके बाद हम वहां से गाड़ी लेके निकल ही रहे होते हैं कि भाई गलत स्वागत हो जाता है हमारा, और हमारा स्वागत जैसा भी हुआ वो गाड़ी का स्वागत कुछ ज्यादा ही अच्छे से हो जाता है। आ
नॉक हो गया, इसको किल चुरा ले, इसका इसका किल चुरा ले, इधर पड़ा है, इधर पड़ा है, इस तो निकले थे चैलेंज कंप्लीट करने के लिए और गेम से ही निकल गए। पहली बार तो असफल हो गए हैं और दोबारा उतरते हैं और इस बार देखते हैं क्या मिलता है। तो इस बार उतरते ही मिल जाती है भाई डबल A4। तो अगेन ट्राई करते हैं कि इस बार चैलेंज कंप्लीट हो जाए यार। तो भाई गन लूट के हम स्टेडियम आते हैं और भाई यहाँ पास एक स्क्वाड होती है जिससे कि हम दो बंदे बजा देते हैं। अब इनके बाकी के दो बंदे बचे होते हैं जो भाई खतरनाक कैंपिंग करते हैं, मतलब इतनी खतरनाक कैंपिंग ओहो। और अगर मेरे पास A4 की जगह और कोई गन होती ना तो मैं घुस के मारता इनको, लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं, A4 बस्ट में जलती है और मुझे पता है कि जब वो दोनों स्प्रे करेंगे तो समस्या हो जाएगी और क्या पता उनके पास और खतरनाक गन निकल जाए, जैसे कि समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं गॉड को कहता हूँ कि भाई गाड़ी अगर हो तो रोटेट मार के जाओ, कुछ थोड़ी बहुत हलचल होगी। अरे कार कार से धुआं निकल रहा है भाई, कैसे तो जब कार से धुआं निकल रहा था तो जानने की क्या जरूरत थी, मैंने तो कहा नहीं था कि भाई जा मर के आ, अलग त्याग तपस्या भर रखी है बंदे के अंदर। वो जूता है, वो जो लाइन वाला मास्क पहना था। उसके बाद महान नूबड़े कैंपर बाहर आते हैं एस्ट्रोल के लेकर और फिर चैलेंज बर्बाद। तो तीसरी बार चैलेंज कंप्लीट करते हैं क्योंकि भाई चैलेंज कंप्लीट करके ही जाना है। अब इस बार फिर पायलट पैदा उतरते हैं और देखते हैं कि क्या ही मिलता है। इधर है, मेरे पास बंदा है नीचे। हाँ तो कौन कहता है कि कर्मा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये देखो कर्मा एग्जिस्ट करता है। जब तुम हमको स्टॉल के आरपीजी से बजाओगे तो ऊपर वाला भी हमको ऐसी गन दे सकता है और इस बार यही हुआ। अब देखते हैं चैलेंज कंप्लीट होता है कि नहीं। मेरे को इधर जाना है, थोड़ा संभाल के बंदे हैं। तो यार पता नहीं, यहाँ पास मुझे ही ऐसा लग रहा था कि वो बंदा नेट पकड़ा हुआ है या फिर वो सच में नेट पकड़ा हुआ था और उसके बाद फिर गन स्विच करता है, लेकिन मेरे कुछ कंफर्म होता नहीं है और मैं जोश जोश में घुस जाता हूँ और भैया एचपी कुछ ज्यादा ही कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद फटाक से हील करते हैं और पायलट प्लाजा में हम सोचते हैं कि अब कोई नहीं बचा है, लेकिन भाई कैंपर वो तो कभी खत्म होता ही नहीं है। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आता है कि भाई गेम में M762 क्यों दे रखा है, ये तो M249 से भी गाय गुजरी है, मतलब M249 की भी इतनी बुलेट मारने पर बंदा नॉक हो जाता है। अरे एक तो वो करके बैठे हैं, और ऊपर एक है, उसके ऊपर एक है।
उसके बाद दोनों महान कैंपर्स को फिर से बजा दिया जाता है, वो भी स्की करते करते, मतलब एकदम हीरो पंती सूझ रही है यार। उसके बाद ये भाई साहब कहाँ से क्यों और कब आ जाते हैं कुछ समझ ही नहीं आता है, लेकिन सही टाइम आ जाते हैं यार, हमको हील की जरूरत और इन्होंने हमको दान कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सामने दो बंदे होते हैं जो कि दूसरे को नॉक रिवाइव खेल रहे थे, और एक बंदा हमारे राइट साइड वाली बिल्डिंग में होता है, तो भाई हम लगाते हैं दिमाग और इसके उठाते हैं और लेफ्ट से रोटेट मारते हैं और फिर इन बंदों को बजाते हैं। हम ऐसे बगी लेके भी निकल सकते हैं। पाल लेके वो लोग देखता हूं, मैं देखता था निकल गए वो लोग पाल लेके, मैं बगी लेके आ रहा हूं तेरे लिए, थोड़ी में बागी तो लेके आऊंगा। ओपी ये बागी तो उसके बाद सामने वाले दो बंदों को फटाफट बजाते हैं, उसके बाद राइट साइड में जो बंदा होता है उसको भी घुस और इस तुलके से धाएं धाएं करने के बाद गाड़ी उठाते हैं और इस ब्लू बिल्डिंग के बंदे होते हैं तो उनको ही बजा लेते हैं। तो यहाँ पास काफी देर जिगल जिगल चलता है, मतलब जिगल पे जिगल जिगल पे जिगल, उसके बाद अंत क्या था भाई, एस्ट्रोल के स्विच किया और बजा दिया, क्योंकि भाई M762 के मत्थे बंदा नहीं मरने वाला, क्योंकि पबजी मोबाइल लाइट में सिर्फ एस्ट्रोल के और RPG का डैमेज बढ़ाया जाता है, M762 और AKM का डैमेज नहीं बढ़ाया जाता। तो उसके बाद लास्ट वाले भैया खतरनाक स्नाइपिंग कर रहे थे और गॉड को एक बॉडी शॉट रख भी दिया था, हमको लगा कि भाई अच्छी स्नाइपिंग करते होंगे। तो इसीलिए हम जाके उनको पैन से बजा दिए, क्योंकि भाई अच्छे प्लेयर की हम बहुत इज्जत करते हैं। तो मिल गया चिकन डिनर, 3 बार खेलने के बाद चैलेंज कंप्लीट हुआ है, और तुम तीनों चैलेंज में खुद ही दे सकते हो कि भाई हम कैसे मरे, तो इसीलिए कुछ कहने लाइक तो है नहीं। तो मिल गया चिकन डिनर, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में ना सब्सक्राइब करना, तो घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली में हम बहुत ज्यादा हार्ड है यार। तो मिलते हैं वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।